हेलो so, वन बात करेंगे आज बार चार्ट की बार चार्ट का होपफुली एक सेशन आपके पास आ चुका है नहीं आया तो आने वाला होगा बिकॉज बार चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कई बार बार चार्ट के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं इंपॉर्टेंट है बिकॉज छोटा सा टॉपिक है बड़े आसान से क्वेश्चन आते हैं बार चार्ट में बट कैसे वाले वो जो आपके पिलर टाइप खड़े होते हैं बेसिकली बार चार्ट वही होता है इसको हिस्टोरिक क्या नाम है हिस्टोग्राम डी में भी कई बार कंसिडर कर लेते हैं बट बेसिकली आपके पास बार चार्ट ही होता है वो क्लियर देखिए अगर आप तैयारी करने की सोच रहे ना आप सोच रहे कि तैयारी कर लें और आप करने की सोच रहे हैं तो सबसे अच्छा मौका यही है आज ही ज्वाइन कीजिए अभी टाइमिंग तीन से साढ़े चार ठीक है जिसके अंदर फोर डेज अभी क्लास होने वाली है टोटल लेक्चर कितने रहेंगे मेरे पास वन एट्टी प्लस एक सौ अस्सी से ज्यादा लेक्चर्स रहने वाले ये लेक्चर ए तथा बी

ऑफलाइन ऑफलाइन बैच बैच है 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 ये ये आपका आपका क्या ऑनलाइन प्लस मतलब आप घर बैठ के भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ पे हेड सेंटर में आके भी इसको लगा सकते कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली ठीक है अब देखो जरा अगर मैं बात करूँ टोटल लेक्चर मेरे पास अस्सी एक प्लस है ये हो गया अस्सी और ये वाले जो नाइन्टी लेक्चर है ये आपको इस लाइव बैच के अंदर मिल रहे हैं क्लियर आपके पास क्या है 50 क्वांट है 25 लॉजिकल और 15 आपके पास यहाँ पे इंग्लिश के लेक्चर हमें देखने को मिलेंगे बात अब देखो अगर ये ऐसे मिल रहे हैं पचास पॉइंट पच्चीस लॉजिकल और पंद्रह आपके पास इंग्लिश के लेक्चर हैं तो इसमें क्या मिलेगा आपको सारे के सारे हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर खत्म करेंगे सारे के सारे हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर खत्म करेंगे क्लियर इसके साथ आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी इसी बैच में कैसे वो मैं बताता हूँ देखो सबसे पहले आपको वीकली शेड्यूल मिलेगा

सबसे पहले क्या मिलेगा आपको लेक्चर की पीडीएफ नंबर दो पे आपको क्या मिलेगा लेक्चर की पीडीएफ जा रही है उसके बाद नंबर दो पे आपको मिलेगा रिसोर्सेज इस इसमें ठीक है और नंबर तीन पे क्या जाएगा लेक्चर पीडीएफ होगा रिसोर्स होगा फिर क्या मिलेगा आपको प्रैक्टिस शीट ये तीन चीजें आपको इसके अंदर मिल रही हैं समझ आई बात अब ये तीन चीजें मिल तो रही हैं इनका फायदा क्या है देखो सबसे पहली बात लेक्चर पीडिया जब मिलेगी तो लेक्चर पीडिया में आपको ये पता चलेगा भाई कौन सा आज हमने काम करना है ठीक है नंबर तो रिसोर्सेज में क्या पता चलेगा मुझे रिसोर्सेज में मुझे ये पता चलेगा कि भाई इस चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं क्या क्या चीजें मुझे करनी और क्या क्या चीजें मैं करने वाला हूं ठीक है मतलब आपको पहले ही पता चलेगा रिसोर्सेज है ना जैसे नंबर वन हो गया तो उस टॉपिक पे आज क्वेश्चन है नंबर टू पे इस तरह करके आपको सारी चीजें पता चलेगी शॉर्ट ट्रिक्स भी होंगे इसके अंदर नंबर तीन शीट प्रैक्टिस शीट वो क्वेश्चंस होंगे जैसे हमने क्लास में किए वैसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं किसमें आपके इसमें प्रैक्टिस uh, शीट के अंदर वैसे क्वेश्चन होंगे और ये कब डिस्कस होगा ये हर क्लास में आपको आधे घंटे का यहां पे तीस मिनट का क्या दिया गया आपको यहाँ पे तीस मिनट का आपको प्रैक्टिस सेशन मिल रहा है या आपको डिस्कशन हम यहाँ पे कर सकते हैं डिस्कशन कम प्रैक्टिस सेशन हमें यहाँ पे मिल रहा है क्लियर उसके बाद लास्ट होगा आपका वीकली टेस्ट लास्ट का होगा आपका वीकली टेस्ट जो कब होगा हर आपके पास कितने बजे होने वाला है आपके पास एक बजे होगा संडे को ठीक है जी हर वीक आपके पास संडे को ये टेस्ट होने वाला है समझ तो इसको प्लीज इंपॉर्टेंटली और इसका जो सलूशन है ना इसका सलूशन है मुझे क्या मिलेगा वीडियो सलूशन इसका क्या मिलेगा मुझे

उस साल में फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन जैसे पचानवे की बात करूं पच्चीस छियानवे की बात करूं चालीस सत्तानवे की बात करूं साठ अट्ठानवे की बात करूं पैंतालीस नाइन्टी नाइन की बात करूं पैंसठ दो हज़ार की बात करूं पचास दो हजार एक की बात करूं सेवेंटी फाइव तो दो हजार दो की बात करूं तो एट्टी ये मुझे फर्टिलाइजर की क्या दी गई है बेसिकली मुझे प्रोडक्शन दी गई है ईयर वाइज चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिए क्या कह रहे हैं वट वॉज द परसेंटेज डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर फ्रॉम नाइनटी सेवन टू नाइनटी एट देखो 97 की बात करूं मैं कितना था मेरे पास साठ ये किस में था वन नाइन नाइन सेवन और वन नाइन नाइन एट में कितना होगा फिर नाइन्टी सेवन में कितना था साठ नाइन्टी एट में कितना था फोर्टी फाइव यानी कितना डिक्लाइन हो गया मेरे पास भाई पंद्रह का डिक्लाइन आया कितने पे साठ पे गुना सौ परसेंट पंद्रह चौके साठ ये कितना हो गया ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑप्शन नंबर सी सी इज़ द द द द राइट आंसर आंसर क्लियर तो मेरे पास बिल्कुल सही है है इस क्वेश्चन का ठीक है? चलिए नेक्स्ट बोल एवरेज एवरेज प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ़ एंड इक्वल टू फॉलोइंग मुझे 96 97 की. मतलब इसका मतलब क्या करना पड़ेगा ऐसे कुछ करना पड़ेगा और मुझे क्या बोला है फॉलिंग नहीं? जब मैं इसकी निकाल लूंगा, तो मैं क्या करूंगा डिवाइडेड 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 बाय 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 दो इसका मतलब जिन दो सालों का सम 1996 इसका मतलब अगर इसका से होगा, तो भाई बात बनेगी सिक्स कितना है मेरे पास ंड्रेड इसका मतलब अब मुझे दो हजार दो और दो हजार और दो हजार एक यानी दो हजार और दो हजार एक क्या इनका सम सो है नहीं है तो मेरा पहला आंसर ऑप्शन नहीं हो सकता गलत है ठीक है ध्यान से मैंने क्या बताया कि जब भी ऐसा कोई एवरेज वाला क्वेश्चन आए तो ये देखो क्या सेम नंबर से डिवीजन हो रहा है अगर सेम नंबर से डिवीजन हो रहा है तो डेफिनेटली आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा नेक्स्ट क्या मेरे पास नाइनटीन नाइनटी नाइन टू थाउजेंड नाइनटीन और टू थाउजेंड ये कितना है सिक्सटी फाइव प्लस फिफ्टी कितना होगा एक सौ पंद्रह ये भी सौ के बराबर नहीं है तो भैया हटा दीजिए इसको भी ये भी आंसर नहीं होगा मेरा ठीक है तो मेरा आंसर बी भी, भी गलत है सी की बात करें नाइन्टी एट नाइनटी नाइन्टी एट और टू थाउजेंड नाइन्टीन नाइन्टी एट एंड टू थाउजेंड ये कितना हो गया पैंतालीस प्लस फोर्टी फाइव प्लस फिफ्टी नाइन्टी फाइव ये भी नहीं है मेरा तो डेफ़िनेटली पचानवे और दो हज़ार एक ही होना चाहिए नाइन्टीन फाइव कितना है ट्वेंटी फाइव दो हज़ार एक कितना सेवेंटी फाइव इसका साम कितना है yes. हंड्रेड तो क्या ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही आंसर है यस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन क्लियर जल्दी से नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे इज़ी है बहुत मुश्किल नहीं है क्वेश्चन चलिए व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर टू थाउजेंड टू एज कंपेयर टू नाइनटीन देखो नाइनटीन में कितनी है भाई मेरे पास नाइनटीन की बात करोगे कितना है 25 2002 की बात करेंगे तो कितना है 80 यानी कितना इंक्रीमेंट आ गया देखो ध्यान से देखो जरा जो चीज 25 थी वो कितनी होगी 80 होगी यानी जो चीज 5 थी वो कितनी होगी 16 यानी 11 का इंक्रीमेंट आया कितने पे 5 पे गुना ऑफ 100% 11/5 कितना होगा 11/5 बेसिकली कितना होगा 2.2 तो कितना आ गया ऑप्शन नंबर सी ट्वेंटी परसेंट इज दाइटर चलिए नोट कीजिए फटाफट जल्दी से नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा मैं एक बार बता देता हूं। देखो हो क्या रहा टू थाउजेंड टू की मैं बात करूं कितना है मेरे पास 80 आ गया और 2000 और 1995 में कितना है 25 वो कह रहा है भैया पच्चीस हाँ जी क्लियर तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था लेटेस्ट मूवउट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इज मैक्सिमम मतलब आपको क्या बताना है परसेंटेज में बताना है कि भैया पिछले साल के मुकाबले किस साल में कम ज्यादा थी जैसे मैं छियानवे की बात करूं डी ऑप्शन भी उठाते हैं भाई देखो छियानवे में क्या था 1996 की बात करूं कितना था मेरे पास चालीस और 1995 की बात करूं कितना था मेरे पास 25? ऐसा कुछ था यानी आप क्या कहोगे भाई 15 का डिक्रीमेंट कितने पे पे? एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर यानी मुझे डिफरेंस लेके प्रीवियस ईयर को लेना है, ठीक है 25 चौके चौके कितना आ गया साठ परसेंट तो 96 के लिए कितना है मेरा 60 परसेंट ये चीज समझ आई क्वेश्चन की जरा स्टेटमेंट को पकड़िए क्या क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको बोल रही है क्लियर चलो देखो नेक्स्ट अगर मैं जैसे सत्तानवे की बात करता सत्तानवे की बात करो साठ से चालीस आ गया यानी के लिए अगर मैं बात करूं 60 था चालीस यानी बीस का इंक्रीमेंट कितने पे आप क्या कहोगे चालीस पे इंटू ऑफ हंड्रेड परसेंट बीस दूनी चालीस ये कितना आ गया आपके पास पचास परसेंट तो यहाँ कितना आ गया पचास परसेंट क्लियर ये चीज इजीली समझ आनी चाहिए आपको कि क्या क्वेश्चन में आपसे आउटपुट के बारे में पूछा हुआ स्टूडेंट्स क्लियर चलिए तो ये समझ आ गया होगा है ना अब दो हजार एक अगर दो हजार एक की आप बात करोगे ना दो हजार एक में क्या हो रहा है सेवनटी फाइव से फिफ्टी दो हजार एक की बात करोगे सेवनटी फाइव था और पहले कितना था फिफ्टी यानी क्या कहोगे पच्चीस का इंक्रीमेंट कितने पे पचास पे गुना सो परसेंट पचास दो तो क्या हो गया अभी फिफ्टी आ गया मेरे पास तो क्या दो हज़ार एक और सत्तानवे का बराबर है पचास देखो जरा ध्यान से हाँ जी जल्दी से लास्ट वाले बता दो मुझे कितना है लास्ट वाले बता दीजिए मुझे कितना है आंसर तो मुझे पता ही चलना चाहिए देखो दो हज़ार में इसका मतलब दो हज़ार की बात करूँगा एट्टी और 75 फाइव यानी पाँच बटे कितना सेवनटी फाइव इंटू ऑफ हंड्रेड परसेंट ठीक कितना पंद्रह तो ये कितना आएगा आ, पाँच के पंद्रह बीस तो 6.67 के अराउंड तो कितना आ गया 6.67 परसेंट के अराउंड तो आंसर ऑप्शन नंबर डी उन्नीस सौ तो छियानवे मेरा बिल्कुल सही उत्तर है प्लीज इसे सही मार्क कीजिए क्लियर चलिए होपफुली क्लियर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूँ मैं लास्ट क्वेश्चन जो मेरी कक्षा का आज का है क्लियर चलिए इन हाउ मैनी ऑफ गिवन ईयर वॉज द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ईयर बताइए जरा एवरेज प्रोडक्शन जो गिवन ईयर है उसके साथ कितना मतलब होगा भाई कितने ऐसे साल है जिसमें जो प्रोडक्शन है एवरेज से ज्यादा मेरे पास बताइए देखो एवरेज बेसिकली होता क्या है मेरे पास अगर मैं एवरेज की बात करूं एवरेज क्या होगा मेरे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा ही होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ क्लियर तो भाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करो पहले कितना है ट्वेंटी फाइव फिर कितना है चालीस है फिर कितना है साठ है फिर कितना है पैंतालीस है फिर कितना मेरे पास पैंसठ है फिर कितना मेरे पास पचास है फिर कितना है सेवेंटी फाइव है फिर कितना है एटी क्लियर और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने है? देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ क्लियर डिवाइडेड बाय क्या मेरे पास तो सब सम करते हैं देखो <coughs> जब भी इस तरह का क्वेश्चन करना हो ना मैं आपको हमेशा कैलकुलेशन ट्रिक बताता हूं और वो मैं इसमें भी डेफिनेटली आपको बता रहा हूं क्या होगी देखो 25 है 25 को आप कैसे लिखोगे 20 प्लस पांच बता रहा हूं ये शायद मैंने लाइन चार्ट या पाई चार्ट में भी बताई थी आपको बट यहां पर दोबारा रिवाइज कर रहा हूं रीजन क्या है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके ठीक है तो चालीस को कैसे लिखोगे आप चालीस प्लस साठ को कैसे लिखोगे साठ प्लस जीरो नेक्स्ट फोर्टी फाइव क्या होगा मेरे पास फोर्टी प्लस फाइव एक बार बता दूं ताकि आप भूलोगे नहीं पूरे तरीके से आपको सिक्सटी फाइव कैसे लिखोगे सिक्सटी प्लस फाइव अच्छा फिफ्टी को मैं फिफ्टी ही लिखूंगा 75 को कैसे लिखूंगा मैं सेवनटी प्लस फाइव और एट्टी को कैसे लिखूंगा मेरी exactly. बात एक से सुनो ध्यान <coughs> से फोकस होकर सुनना ये नंबर मेरे पास क्या है? आपको ये नंबर क्या दिख रहा है ये नंबर आपको 25 दिख रहा है बट जब हम कैलकुलेशन करेंगे ये नंबर एक्चुअली क्या है 20, पे 5 जोड़ दो. 20 प्लस तो 60, 60, पांच नेक्स्ट देखो सिक्स रहने दो ये क्या है इसमें कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे देखो सबसे पहले अब सारे जीरो हटा दो हटा दो ये दो चार छ बारह चार सोलह छह बाईस पांच सत्ताईस सत्ताईस चौंतीस चौंतीस कितना हो गया आपके पास बयालीस 42, यानी चार सौ बीस प्लस पांच दस पंद्रह बीस तो ये कितना हो गया फोर फोर्टी इजी इसका मतलब क्या था मेरे, गया। गया। गया दो मेरे पास दो 50, चार छह चार सोलह छह बाईस बाईस पांच सत्ताईस सत्ताईस पांच चौतीस चौंतीस आठ बयालीस चार सौ बीस प्लस पांच दस पंद्रह बीस कितना हो गया फोर फोर्टी क्लियर कितना हो गया चार सौ चालीस इजी क्लियर चार सौ चालीस बटा कितना करना है मुझे आठ तो कितना हो गया फिफ्टी फाइव आ गया फिफ्टी फाइव अब देखो फिफ्टी फाइव से बड़ी कौन कौन सी वैल्यूज है मेरे पास मैं जरा रब आउट कर दूँ इसको देखो भाई फिफ्टी फाइव से बड़ी कौन कौन सी वैल्यूज है फिफ्टी फाइव से बड़ा एक दो तीन

तो सारे क्वेश्चन हो गए मेरे हाँ जी ये मैंने कर दिया था ये चलो चलिए नेक्स्ट है मेरे पास माइक्रो माइक्रो कोर्सेज कोर्सेज अब कोर्से क्या नया है आप लोगों को पता है इजीली बताओ मुझे प्लीज देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। जब आप तैयारी करते हो ना आप कई चीजों की तरफ ना अग्रसर होते हो इन द सेंस आप कई चीजों का ध्यान रखते हो कहने का मतलब क्या है कि कहीं मिस्टेक ना हो कहीं ये गलती ना हो कहीं वो गलती ना हो मैं आपको एक चीज बताता हूँ ध्यान से देखो जब भी आप तैयारी करते हो ना जब आप किसी एग्जाम जैसे सपोज करो आपने किसी एग्जाम को टारगेट किया <coughs> आपको तो एक चीज पता है भाई बिना सी सेट करिए आप बन ही नहीं सकते मैं दो तीन चीजों की तरफ यहां पे आपका ध्यान लगाना चाहूंगा है ना कि अगर सी सेट में एक जीरो पॉइंट टू फाइव नंबर कम भी हुआ ना, या आपका नाम के आगे क्यों नहीं लगा यानी क्वालिफाई नहीं लगा हुआ तो आपको डेफिनेटली आगे बैठने नहीं दिया जाएगा ये समझो पहले बात कई बार कई बच्चे अभी भी क्या कर रहे हैं अभी भी इग्नोर कर रहे हैं इस चीज को कई बच्चे अभी भी क्या कर रहे हैं इसको इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं चलो ठीक है हम एक दो महीने की तैयारी से कर लेंगे बट नहीं होगा क्योंकि आपके पास तीन सेक्शन है एक क्वांट हो गया दूसरा हो गया रीजनिंग सॉरी क्वांट हो गया हाँ क्वांट सॉरी रीजनिंग इंग्लिश है ना आपको मैं हमेशा ही कहता हूं जब आपको एक अच्छा एग्जाम क्वालिफाई करना है ना तो आपको टारगेट बनाने पड़ते हैं <coughs> हमेशा टारगेट रखो और टारगेट आपका कैसा स्मौल टार्गेट। स्मौल टार्गेट होना चाहिए स्मॉल टारगेट स्मॉल टारगेट होना चाहिए देखो आपको पता है 80 क्वेश्चन आने है ना और 66, 67, 67 के राउंड नंबर आपको चाहिए मैं आपको एक दावा करता हूं जो मैंने शुरू में बैच बताया वो करके तो भाई 100 प्लस मार्क्स आपके मिनिमम आएंगे मिनिमम इतना आप कर लोगे मुझे पता है क्योंकि वट क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग आई नो दैट दूसरी बात सुनो जब आप स्मॉल टारगेट्स करोगे ना स्मॉल टारगेट्स किस तरह से कि मैं दो नंबर चार नंबर या ऐसे करके पांच नंबर किन किन चैप्टर से उठा सकता हूं सपोज करो पहले आप रीजनिंग उठाओ मैं आपको एक बात रीजनिंग करो है ना जैसे क्वांट भी करना है बट रीजनिंग में जैसे आपका अगर आपने प्रीवियस ईयर एनालिसिस प्रीवियसिस देखियोगे तो क्या होगा कोडिंग डिकोडिंग आपका नंबर सीरीज सॉरी नंबर सीरीज नॉट सिस्टम ये दो तीन चैप्टर जैसे ब्लड रिलेशन हो गया आपका है ना आगे का अल्फा अल्फानोमेरिक सीरीज भी इसके अंदर तो ये क्या है इनसे डर बार क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे मैं बात करूं नंबर सीरीज से 2000 आई थिंक 21 में दो क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग से 2022 में दो क्वेश्चन थे तो इस तरीके से आप चूज करो कि कौन से टॉपिक है जिनसे कंफर्म है क्वेश्चन आ रहा है कंफर्म है क्वेश्चन आ रहा है तो क्यों ना पहले उन्हें करिए स्मॉल टारगेट है इकट्ठे कर, <coughs> कैसे? कैसे? कर लेना दो क्वेश्चन का मतलब क्या है आपके पांच मार्क्स सिर्फ बासठ मार्क्स रह गए क्वालिफिकेशन के, के लिए समझ आई बात इसका मतलब अगर दो टॉपिक आपने कर लिए कन्फर्म है यहां से दो से तीन क्वेश्चन आने आपके साढ़े नंबर हो गए आपके बूंद बूंद से सागर बनेगा यानी अपना क्वालिफिकेशन की राह पे चलेंगे समझ आई बात यहां पे जब आप स्मॉल टारगेट चूज करोगे ना तो माइक्रो कोर्स से अच्छा कुछ भी नहीं है दुनिया में जो आपको हेल्प कर सके रीजन यहां पे पूरा कोर्स नहीं करना आप सिर्फ छोटे छोटे कोर्सेज को देखिए जैसे कोडिंग डी हो गया जैसे आपका पाई चार्ट जैसे आपको बारोग्राफ का क्वेश्चन आता है तो बारोग्राफ कीजिए लाइन चार्ट कर सकते हैं आप ये इस तरह के चैप्टर इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे लेके जाएंगे समझ आ गई बात ये स्मार्ट पढ़ाई है ये क्या है ये है आपकी स्मार्ट दिस इज योर स्मार्ट स्टडीज़ देख क्लियर चलिए देखते हैं आप कैसे आप इसको अवेल कर पाओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए कौन कौन से आपके फुल कोर्स का माइक्रो कोर्स का और आपके व्हाट्सएप ग्रुप का चलिए 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 चूज एग्जाम करेंगे सबसे पहले आएगा सिविल से सर्विस सेट इसका डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया मैं फिर भी बता दूं कैसे खोलना है यहाँ सारे के सारे, सारे सब्सक्रिप्शन हमें दिए गए हैं यहाँ पे सारे वीडियो कोर्सेज दिए गए यहाँ टेस्ट कोर्सेज और यह है मेरा माइक्रोबर्स यानी माइक्रो कोर्सेज यहाँ पे दस डेज का मोबाइल नंबर डालेंगे तो आप ऑटोमेटिकली हमसे जुड़ जाएंगे ठीक है हमारा आपका आपका रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगा कि आप कुछ जानना चाह रहे हैं अदरवाइज जो नंबर मैंने शुरू में बताया था नाइन उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या उस नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप ठीक है

तो गो फॉर टेन टू तो फिफ्टीन क्वेश्चन दस से पंद्रह क्वेश्चन की अपनी रेंज रखो कि एवरेज बच्चे की बात कर रहा करो कोई बीस के बीस भी करना चाहते हो तो भाई कर लो कोई दिक्कत नहीं होती है कईयों को नंबर सिस्टम बहुत अच्छा था वो एडवांस पढ़े हुए हैं तो भैया वो कर सकते हैं इजीली बट आप क्या करो टारगेट मैं आपको अभी भी कह रहा हूं आप करो टारगेट बेस्ड स्टडीज टारगेट बेस्ड अब टारगेट बेस्ड स्टडी से होगा क्या आप उन टॉपिक्स को इजीली कर पाएंगे जो आपको मुश्किल लगते हैं जैसे यहां पर नंबर सिस्टम है सपोज करो आपने नंबर सिस्टम को टारगेट कर लिया सिर्फ दस लेक्चर्स हैं एक दिन में देख लोगे सारे के सारे लेक्चर दो दिन में देख लोगे तीन दिन में नंबर सिस्टम खत्म कितने क्वेश्चन है चार क्वेश्चन उसके बाद इन चार क्वेश्चन के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है डायरेक्टली इनको आप टेस्ट के तौर पर भी दे सकते हो बीस पच्चीस क्वेश्चन का एक वो बना के बंडल सा बना के क्लियर और छह मिनट का ट्रायल दिया गया ना पसंद आया तो कोई जरूरत नहीं लेने की बट ट्रायल तो देख लो क्लियर और नो वेब नोट्स अब वेब नोट्स में क्या मिलेगा आपकी थ्योरी होगी आपके कोई एक्स्ट्रा क्या नाम है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी वो सारी इसमें दी हुई है ठीक है नेक्स्ट देखो जैसे सिम्प्लीफिकेशन इसके साथ भी छह मिनट का ट्रायल फ्री दिया जा रहा है आपको एक वेब नोट से सत्तर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और चार आपके पास लेक्चर दिए गए हैं इसमें ठीक है जी नेक्स्ट क्या है परसेंटेज चार लेक्चर है एक सौ अठासठ रुपये का चार वेब वेबनोट से टू सेवेंटी नाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं जैसे परमोटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें एट पॉइंट फाइव नाइन का है दिए है मल्टीपल हुए इसमें क्लियर इसी तरीके से टाइम एंड डिस्टेंस हो गया सारे क्वांट के जितने भी चैप्टर है ना टॉपिक प्लस सब टॉपिक बोला था मैंने बिल्कुल जैसे ये क्या आ गया आपका लाइन चार्ट टॉपिक क्या हो गया डी आई सब टॉपिक क्या हो गया लाइन चार्ट तो लाइन चार्ट कितना है

ठीक है रैंकिंग एंड ऑर्डर ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं जो रैंकिंग रैकिंग ऑर्डर में से आपको अभी तक ना आया हो मेरे को लगता कोई ऐसा पेपर आया होगा बहुत रेयर है कि कदम भी छूट गया हो अदरवाइज रैंकिंग एंड ऑर्डर से आता ही आता है क्वेश्चन तो ढाई नंबर पक्के आप अपने स्टेटमेंट का डायरेक्शन डायरेक्शन का भी क्वेश्चन आपको तकरीबन मतलब हर बार आ रहा है ठीक है सिलोजिज्म हो गया क्यूब एंड डाइस हो गया कोडिंग एंड डिकोडिंग मैं बात कर रहा था कोडिंग डिकोडिंग हो गया जैसे ब्लड रिलेशन हो गया आपका ठीक है देन डाटा सीरीज क्लॉक कैलेंडर लॉजिकल तो टारगेट बेस्ड स्टडीज करके आप इजीली क्रैक कर पाओगे अपना यूपीएससी सेट दो क्लियर और सबके साथ ट्रायल दिया है आपको ठीक है छह मिनट का वेब नोट्स लेक्चर्स दिए हैं और मल्टीपल चोस क्वेश्चन दिए हैं क्लियर ठीक है इसी तरीके से मुझे क्या दिया है मुझे इंग्लिश कॉम्प्रिशन पूरा चार सौ बारह रुपए के ठीक है थीके? रीडिंग कितना शन एट का नेक्स्ट क्या वर्ड बिल्डिंग कितने का सिक्सटी फाइव मतलब मैं ये बोलूंगा कि अगर आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए बड़े ज्यादा कि हाँ मुझे कॉम्प्रिहेंशन करना है तो आप क्या करो वर्ड बिल्डिंग जरूर लो बिकॉज इसमें क्या है कोर्स कवर्स फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन ऑन एंटोनिमेंट एन वेरियस एग्जाम इसका मतलब इसी लेवल के जो एग्जाम है या कोई इंपॉर्टेंट आपका वर्ड होगा वो सारे कंपाइल करके इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टू हंड्रेड के अराउंड क्वेश्चन है और दो वेब नोट्स हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो होगा रूट वर्ड्स हो सकते हैं कुछ एडिशनल आपके वर्ड्स हो सकते हैं जो वेरियस एग्जाम्स में आए हैं क्लियर तो प्लीज इसको भी लो क्योंकि पैराग्राफ जब आप करते हो ना कई बार वो लाइन का मतलब नहीं समझ आता सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड के चक्कर में कि यार ये कैसे यूज हुआ ठीक है मुझे ग्रामेटिकली तो इसमें इतना ज्यादा चाहिए नहीं बट हाँ मुझे ये तो पता होना चाहिए कि उस लाइन का मतलब क्या निकल रहा है जब भी तो आंसर दे पाऊंगा दे पाऊंगी मैं Clear? तो वो कहां से पता चलेगा वो बताएगी आपको क्लियर तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए ठीक है चलो भाई क्यों नंबर है हम रीजन रीजन है उसके पीछे. क्या है क्या जैसे स्पर्श का 51 का पे, वन सारी बाईस तेईस की हमारी

तो इन्होंने बहुत मेहनत की थी सी सेट को भी इतना ही इन्होंने प्रेफरेंस दी थी जितना ये किसको दे रहे थे जी को तो आप प्लीज ये गलती मत कीजिए क्लियर है जो इन्होंने फायदा उठाया अभिमन्यु आई एस से आप भी उठाएं क्या कीजिए सी सेट में मारा धंसाल कीजिए क्लियर तो गलती मत करना कि सी सेट को हल्के में ले लो इन्होंने ये गलती बिल्कुल नहीं करी इन्होंने सी सेट को हल्के में लिया ही नहीं इन्होंने बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत अच्छे से समझा सी को क्लियर तो प्लीज़ और मैं की बात बोलूंगा अगर और जानना हो ना क्यों भाई नंबर वन है लास्ट पच्चीस साल से बाईसो प्लस सिलेक्शन के साथ ये लिखा हुआ बच्चों ने ये अधिकारियों ने लिखा हुआ ये कई आई ऑफिसर की लिखी हुई वर्डिंग है क्लियर तो प्लीज इसे पढ़िए कुछ पता चलेगा कि क्या एक आई ऑफिसर की सोच आफ्टर सिलेक्शन क्लियर तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो थैंक यू और डिस्क्रिप्शन में बेटा हमें मिलेगा वीडियो कोर्स का लिंक आपके माइक्रो का लिंक और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक थैंक यू